गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। सो आज का हमारा स्टैंडर्ड है 6 और हमारा सब्जेक्ट है गुजराती। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 9, कमल जल कमल जल कमल जल कमल। और उसमें स्टूडेंट्स हम एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, उसका नाम क्या है? नाग माथे नटवर। और स्टूडेंट्स आप सबको मालूम है वो स्टोरी किसकी थी? लॉर्ड कृष्ण की। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। स्टोरी में क्या था? एक गोकुल नाम का गांव था, वहां पे लॉर्ड कृष्ण रहते थे। फिर क्या हुआ, वो अपने सभी दोस्तों को लेके कहां पे जाते थे? गेम्स खेलने जाते थे और साथ में गैया भी चराते थे। फिर वन डे वो सब कौन से गेम खेल रहे थे? गेदी दड़ो। और उसमें क्या हुआ, कृष्ण से वो बोल था वो पानी में चला गया। और सबका रूल्स क्या था गेम का, जिससे भी बोल पानी में चला जाएगा उसको ही वो बोल लेने के लिए जाना होगा। एक मित्र ये कहूँ, नियम एटले नियम, कन्हैया जव पड़े, बाकी ना भेरू वो अंदरों अंदर गड़गड़ाहट करवा लाग्या। कोई कहे कृष्ण ये जव पड़े, कोई कहे पण आ तो जीवनू जोखम छे। तो वळी त्रीजा मित्र ये वचलो रस्तो सुझाव्यो, काले कानूडो नवो दड़ो लेतो आवे, आ दड़ो भले काली नागना घरे रहतो। सब फ्रेंड्स ने क्या बोला, रूल्स तो रूल्स है, उसमें कुछ भी नहीं चलेगा, जिससे बॉल पानी में गया है उसको ही बॉल लेने के लिए जाना होगा, यानी कि कृष्ण को ही बॉल लेने के लिए जाना होगा। तो उसके कुछ दोस्त ने क्या कहा, अरे फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये जो कृष्ण पानी में जाएगा तो उसके लिए रिस्क हो सकता है और हमें कुछ भी रिस्क लेना नहीं है। तो फिर उसका जो तीसरा फ्रेंड था उसने क्या बोला, तो कोई बात नहीं, ऐसा करो कि बोल लेने भी नहीं जाना है और कल जो कृष्ण है वो अपने घर से ही नया बोल लेके आ जाएगा। गोवाळाओनी चर्चा में थोड़ोक समय बीत्यो, त्यां तो दड़ो डूबवा पण लाग्यो। एक गोवाळे कह्युं, हाश हवे दड़ो देखातो ज नहीं, एटले कान्हाए नदी में पण जवुं नहीं पड़े। फिर क्या हुआ, सब फ्रेंड्स ने डिस्कस की, तो उतनी देर में क्या हुआ, वो जो बोल थी वो पानी में डूब गई और वो अब दिख भी नहीं रही है। तो एक फ्रेंड ने क्या बोला, अच्छा हुआ कि अब कृष्ण को बोल लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोल पानी में कहीं भी दिख ही नहीं रही है। एक बे मित्रों तो रड़वा जेवा थई गया, एमने कह्यो, रहेवा दो, अमे कानूडानो जीव जोखम में न मूकीए। छेवटे बधा मित्रोए नक्की कर्यु के आ दड़ो भले नदी में गयो, काले बीजा नवा दड़ाथी रमीशुं। फिर क्या हुआ, वो सब फ्रेंड्स ने क्या डिसाइड किया है कि चलो कोई बात नहीं, अब ये बोल पानी में गई है तो जाने दो, अब कृष्ण कल नहीं बोल लेके आएंगे और हम सब वो बोल से खेलेंगे। कृष्ण और बलभद्र बधा गोवाळाओनी बातों सांभळता हता पण कहीं बोलता न हता। और कृष्ण और उसका बड़ा भाई कौन, बलभद्र, वो दोनों ये सब बातें सुन रहे थे, बट वो बीच में कुछ भी बोले नहीं। त्यां अचानक ज कृष्ण ए कह्यु, हूँ जईश अने एज दड़ो लई आवीश। तब क्या हुआ, सडनली कृष्ण ने क्या बोल दिया, मैं हूँ वो बोल लेने के लिए जाऊँगा और मैं वो ही बोल यहाँ पे लेके आऊँगा। केटलाक मित्रों ये ना पाड़ी, एक मित्र ये बलभद्र ने कह्यु, तमे ना पाड़ो एने आओ गांडू साहस न कराय, ये मोटा भाई ने बात नहीं टाड़े। तो फिर कृष्ण ने अब डिसाइड क्या किया है कि वो पानी में जाएगा और वो वही बोल लेके आएगा। तो उसके फ्रेंड्स ने क्या बोला, बलभद्र को बोला, क्या बोला कि आप तो उसके बड़े भैया हो, तो आप ही उसको कुछ समझाओ, वो आपकी बात नहीं टालेगा। बलभद्र ये हंसीने कह्यु, कानूड़ा ने एक ज जण वारी शके, कानूड़ो पोते, एने नक्की कर्यु छे एटले जाशे ज। फिर बलभद्र ने क्या बोला, अब कृष्ण किसी की बात सुनने नहीं वाला है, कृष्ण को अब कौन रोक सकता है, वो कृष्ण खुद ही, अब उसने जो डिसाइड किया है वो तो वो करेगा ही। बधा गोवाळिया चिंता दूर थई गया, ना ना करता रह्या, पण आ तो कांजी, एने तो नदी में जंप ज लाव्यो,
कृष्ण नदी में पड़िया ए वक्त तो दड़ो डूबी गयेलो। कृष्ण ने तो छेक तलिया सुधी डुबकी लगावी। फिर क्या हुआ? उसके सब फ्रेंड्स वो सब चिंता करने लगे और क्या सोचने लगे, अब कृष्ण पानी में कैसे जाएगा। तो बट कृष्ण को कोई डर नहीं था, वो फिर भी पानी में चले गए। और क्या हुआ, और जब कृष्ण पानी में गए तब तक क्या हुआ था, वो बोल पूरी तरह से पानी में यानी कि रिवर में नीचे चली गई थी। अब सोचना ये है कि कृष्ण बोल कैसे निकालेंगे। कृष्ण गया पछी नदी में शू थयु होशे विचारो ने कहो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे जो स्टोरी है नाग माथे नटवर वो यहाँ पे फिनिश होती है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना होगा, कृष्ण नदी में गया पछी शू थयु होशे विचारो ने कहो, तो वो आज आपको डिस्कस करना है। ओके, थैंक यू।